घमंडी एवं मूर्ख बारहसिंगा। बात बहुत पुरानी है। एक घने जंगल में एक घमंडी एवं मूर्ख बारहसिंगा रहता था। जंगल में घूमते घूमते एक दिन उसको प्यास लगी और वह तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। तालाब का जल बिल्कुल शांत एवं स्वच्छ था। जैसे ही उसने पानी पीना प्रारंभ किया, उसको अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। अपनी परछाई को देख करके बहुत खुश होते हुए बोला, वाह, कितने सुंदर सींग हैं मेरे। ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने पतले पैरों की तरफ चली गई और बोला, ओह, कितने भद्दे एवं बदसूरत पैर हैं मेरे। काश मेरे पैर भी मेरे सींगों की तरह ही सुंदर होते तो कितना अच्छा होता। अभी इन विचारों में खोया हुआ ही था कि तभी उसे शिकारियों की आहट सुनाई दी। उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी और वह तेजी से लंबी लंबी छलांगें भरता हुआ एक घनी झाड़ी में एक घनी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ियों पे छलांग लगाते हुए वो जा रहा था। अभी थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि बदकिस्मती से उसके सींग घनी झाड़ी में उलझ गए। उसने निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बदकिस्मती से वह नहीं निकाल पाया। झाड़ियां हिल रही थी, शिकारी भी उस पहाड़ी पर पहुंच गए। हिलती हुई पहाड़ियों को देख करके शिकारी समझ गए कि बारहसिंगा यहीं कहीं छिपा हुआ है। अब बारहसिंगा और शिकारी आमने सामने थे। बारहसिंगा ने बड़ी दया भरी दृष्टि से, बड़ी करुण दृष्टि से शिकारियों की तरफ देखा, लेकिन शिकारियों ने कोई दया नहीं दिखाई और एक गोली चला दी। गोली लगते ही बारहसिंगा अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि मैं जिन पैरों से घृणा करता था, उन पैरों ने मुझे सुरक्षित बचाकर, मेरी जान को बचाकर यहां तक पहुंचाया, और जिन सींगों के ऊपर मुझको इतना अभिमान, नाज और घमंड था, वही सींग आज मेरी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इसलिए सुंदरता वह नहीं है जो हम देख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा कौन साथ दे रहा है। यही विचार करते करते बारहसिंगा ने अंतिम सांस ली। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण गुण है, जबकि इंसान सुंदरता के कारण गुणों को भूल जाता है।